सपोर्ट देना, सपोर्ट रुका भाई। भाई साफ बना हुआ है भाई, ये पूरा इंग्लैंड। ओ भाई सावन अंधे क्या कर रहा था? दो बंदे, अबे मैंने लेफ्ट वाले को ना लेफ्ट वाले को नॉक किया मैंने तो, पहले अपने पेट पे एक और था, पहले मैंने दो नॉक किया फिर मैंने तुम्हारा। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब पहली वाली क्लिप में देखा मतलब कैसे फटाफट सब अंदर घुसे और टकाटक नॉक हो गए, और उसके बाद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे कि तुम पहले क्यों घुसे, तुम पहले क्यों घुसे। फिलहाल जो भी हो वहाँ पर सब लोग बच गए थे। लेकिन बात करें अगर इस गेम प्ले की, तो भाई साहब जो हम लोग यहाँ उतर रहे थे ना, तो हम लोग एक गंदगी थी, लेकिन हम पता नहीं कैसे दूसरी तरफ उतरे और एक बंदा उस गंद पर उतरा, तो मैं वहाँ से फौरन भागा क्योंकि भैया वहाँ रुक नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर भी बंदे थे तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। अब एक बंदा जस्ट यहीं पर था, लेकिन वो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन मेरे भाई शॉटगन काम आ गई। स्कूबी ने उसका एक बंदा पीछे से ठेल दिया था और मैंने इसको ठोक दिया और शॉटगन एक बार में मार दी, पता नहीं कैसे। लेकिन जो भी हो यहाँ पर मेरे को 2 असॉल्ट राइफल मिल गई थी, तो मैं तो बहुत खुश था। लेकिन तभी एक और टीम यहाँ पर आई और उन्होंने स्कूबी को नॉक कर दिया। अब मेरे को स्कूबी को रैप देना था, लेकिन मैंने सोचा शायद एक को नॉक कर दूं, लेकिन वहां कोई था नहीं, तो मैं गया स्कूबी को नॉक देने, लेकिन वो मेरी तरफ आ गए और सामने एक बॉट। अब ऐसे टाइम पे बॉट्स बहुत दिमाग खराब करते हैं, मतलब आपको किसी से लड़ना है, आपका टीममेट नॉक और बॉट आके टपर 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 करे पड़ा है, आपकी हेल्थ खा लेता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो भी हो यहाँ पर मैंने किसी तरीके से स्कूबी को बचाया कि स्मोक भी कर लिया, ताकि अगर वो दूसरी तरफ से आते हैं तो भैया डायरेक्ट एंगल ना मिल जाए उनको हमारे ऊपर। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी को रैप दिया और मैं गया दूसरे वाले स्टोरेज में, ताकि मैं चाह रहा था कि पहले इस बॉट को ठिकाने लगा दूं, लेकिन ये बॉट पता नहीं क्यों उनके पास गया और उन्होंने इस बॉट को नॉक कर दिया, लेकिन उसकी किल मैंने चुरा ली। देख के। वो कोई और था वाला बॉट तो यहीं पर था अभी भी, जो टपर टपर करे पड़ा था। लेकिन जो भी हो दो बंदे थे उनमें से एक को मैंने नॉक कर दिया था। ये चीज जरा सुनी आपने, नहीं सुनी तो एक बार फिर से सुनना। स्कूबी ने डीपी पहले चलाई और वो कवर में गया और बंदा अपने आप मर गया। तो यहाँ पर एक से मेरे हेडशॉट पड़ी थी तो मैं नॉक हुआ, लेकिन कुछ हद तक मैं डीसिंग की वजह से भी यहाँ पर मारा गया था। लेकिन जो भी हो मैं रैव हो गया। अब स्कूबी कहना था कि उसके सामने बंदे थे, तो यहाँ पर हम दोनों अपनी अपनी पोजीशन होल्ड कर लिया और मैं इंतजार कर रहा था बंदे का। अब बंदा आया तो, लेकिन रुका बिल्कुल नहीं, तो मेरे को पता था कि वो दूसरी तरफ जा रहा होगा, तो मैं उसका पीछा करने लगा। मतलब हल्की हल्की फुटस्टेप आ रही थी तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा था, और जहां पर मेरे को समझ में इतना आया कि वो बंदा जस्ट अपोजिट सामने है। अब यहां पर स्कूबी गया उसे ललचाने और मैंने धर लिया, और उसका टीममेट यहाँ से एंगल बनाने आया था, लेकिन भाई किस्मत देखो उसके फुटस्टेप मेरे को आ गए थे। तो यहाँ पर इसको ठिकाने लगाते हो, फिर हम लोग सोच रहे थे कि शायद अब जॉर्जो में कोई नहीं है, लेकिन तब स्कूबी के ऊपर फायर हुआ और स्कूबी ने चिल्ला के बोला कि अभी यहाँ पर हैं बंदे, तो चलो इनको भी ठोकते हैं। अब इसके तो क्या ही इरादे थे मेरे को पता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर देखो जरा टीममेट की किल कैसे चुराते हैं, भले ही वो बहुत की क्यों ना हो। अब फिलहाल जो भी हो जॉर्ज पूल खाली हो चुका था, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। प्लस हम लोग के पास एक फ्लेयर भी थी जो कि हम लोग को चलानी थी, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम जाएंगे पोचिंकी में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पोचिंकी पधारे, मैं आपको बताना चाहूँगा एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 1xBet। ये एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो इसमें होता यह है कि आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इनके जो मैचेस होते हैं इनके रिजल्ट्स को लेकर आपको प्रेडिक्शन करना है, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे ढेर सारे पैसे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको इस ऐप को एक ट्राई देना है तो इसका डाउनलोडिंग कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर लेना, जिसके मदद से आपको ढेर सारा बोनस मिल जाएगा $100 तक का। तो आपको ट्राई करना है तो लिंक कमेंट सेक्शन के टॉप पे है, ट्राई कर लेना। और फिलहाल उसके बाद हम लोग जहाँ आए तो हम लोग के ऊपर गंदा फायर हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं फायर लेता वो बंदा कवर में चला गया, लेकिन उसका टीममेट बहुत देर से टपर टपर कर रहा था तो इसको तो हम लोग ने नॉक कर दिया। और अब टाइम था पुश करने का। अब यहाँ पर हम लोग का सिर्फ एक ही बात पे फोकस था कि उसका टीममेट जो दूसरी वाली 3 स्टोरी पे था उसको किसी भी हालत में इस 3 स्टोरी पे ना आने दे, वरना वो हम लोग को भर देता। और वैसे हुआ, हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए और उसको भी मेरे को कवर भी दे रहा था। अब स्कूबी और मैंने ये तय करा कि स्कूबी छत से कूदेगा और मैं नीचे से जाऊंगा, कुल मिलाकर उसको सैंडविच कर देंगे तो वो परेशान हो जाएगा कि किससे लड़े। और एकदम वैसे ही हुआ, ये बंदा टोटली कंफ्यूज था कि ये मारे तो किसको मारे। और भाई साहब क्या ही लूट थी इन लोगों के पास, तो मजा आ गया। लेकिन हम लोग के पास फ्लेयर भी थी तो यहाँ पर मैंने फ्लेयर चला ली। अब फ्लेयर चल गई थी, डब्बा गिरने का इंतजार हो रहा था, थोड़ा बहुत दूर रहते, लेकिन तभी यहाँ गाड़ी आई। अब यहाँ पर एक तो नॉक हो गया था और दूसरे वाले के लिए, ओ भाई इसकी भी हालत सेम उसी बंदे की तरह हुई। ये भी कंफ्यूज था साला किसको मारे, इसको भी एक तरफ से मैं दूसरी तरफ से, भाई क्या ही करता। अब जो भी हो अपना डब्बा आ गया था, लेकिन डब्बा देखो कहाँ गिरा। और स्कूबी कतई सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी हो डब्बा गिरा नीचे और मैंने ही लूटा। अब डब्बा लूटने के बाद भाई साहब हम लोग पोचिंग से नोवो तक आगे बंदों को ढूंढते हुए, बंदे तो नहीं मिले लेकिन एक और एयर ड्रॉप यहाँ पर मिल गया तो हम लोग ने इसको भी चेक करा, इसमें कुछ खास काम का नहीं था तो हम लोग वापस जाने लगे। एक और डिब्बा नोवो में गिर रहा था लेकिन भैया हम लोग उसको लेने नहीं गए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गाड़ी चेंज करने आए तो मेरे को पेट्रोल पंप के पास एक बंदा दिखाई दिया। अब वो बंदा बाउंड्री के पीछे टीपीपी ले रहा था, मेरे को पहले लगा कि वो यहाँ होगा बट असल में वो मेरे जस्ट पीछे था। आगे लेटा हुआ है। भाई इस बंदे को मैंने कम से कम 10-15 बार हिट कराया क्योंकि पैर का डैमेज ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। फिलहाल वहां पर नहीं मार पाया था, थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करा और भाई को आराम से मार दिया। अब लूटने जा ही रहा था कि तभी सामने गंदा फायर हुआ। अब मैंने जैसे ही एडजस्ट करा मेरे को एक बंदा तो दिख गया, लेकिन उसने दोबारा पीक नहीं दी। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग उनको घुस के मारेंगे, लेकिन वहां पर हम लोग के लिए एक सरप्राइज था क्योंकि वहां पर एक टीम नहीं बल्कि 2-2 टीम थी, जिसमें से एक तो फ्रेंडली निकली। तो इनसे तो हम लड़ नहीं सकते थे लेकिन दूसरे वाले को छोड़ भी नहीं सकते थे। अब मैंने एक मॉली डाल दी थी इसको पोजीशन छोड़ने के लिए, लेकिन जरा देखना इसका टीममेट कितना चालाक था, इसने रास्ता ब्लॉक करा। लेकिन चाहे जितना कर लो, चाहे जितनी अपनी कुर्बानी दे लो, भाई बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इन दोनों को ठोक दिया, लेकिन जो बंदे टीम अप कर रहे थे, सॉरी मीट अप कर रहे थे, उनसे हम लोग ने थोड़ी बहुत बात करी, लेकिन तभी सामने गंदा फायरिंग हुई। अब यहाँ पर हम लोग ने ये डिसाइड करा कि हम पहले जाकर उनको मारेंगे, तो इनको यहाँ पर सेफ रहने को बोल दिया और मैं उसको भी गाड़ी लेके गए उनको ठोकने। लेकिन भाई यहाँ पर जरा देखना क्या ही क्लच देखने वाले हो आप। अब यहाँ पर मेरे को एक बंदा पता चल गया कि दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ पर मैं ओवर एग्रेसिव हो गया और मैं कुल मिला के फंस गया बुरी तरीके से। ओ भाई साहब स्कूबी ने कतई जानवरों वाला क्लच कराया यहाँ पर, उन दोनों को क्या ही मारा है। मैं तो अंदर कूदा और वो बंदा वैसे ही आ गया और क्या ही ट्रैक करके मेरे को नॉक करा, लेकिन स्कूबी ने दोनों की बैंड बजा दी। अब फिलहाल जो भी हो हम लोग बंदे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, फाइनली एक गाड़ी दिखी। लेकिन ये वही बंदे थे जिनके साथ हम लोग का मीटअप नोवो के ब्रिज के पास हुआ था। और सच बताऊं तो ये एक और मैच में हम लोग को नोवो के ब्रिज पे मिले थे और वहाँ पर भी उछाल रहे थे, तो इन लोगों ने हम लोग छोड़ दिया और फिर हम लोग को ये बंदा मिला जो कि भी मीटअप करना चाह रहा था। तो भाई बंदे मिल नहीं रहे थे और जो बंदे मिल रहे थे वो मीटअप कर रहे थे। फिलहाल हम लोग से बात कर रहे थे कि तभी हम लोग के ऊपर फायर हुआ। अब उसकी एक बॉडी शॉट पड़ी और दूसरा शॉट पे मैंने हक दिया, वो बच गया। तो यहाँ पर अब वो बस के पीछे जा चुका था, तो हम और को वहाँ पर जाकर उसको मारना था। तो भाई मैंने स्कूबी से बोला कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं, स्कूबी ने उससे बोला कि मैच के एंड में मिलते हैं, और हम लोग गाड़ी लेके सीधा वहीं घुस गए। अब इसको तो हम लोगों ने ठोक दिया, लेकिन बात ये थी कि हम लोग को दोस्ती करानी थी क्योंकि ये दोनों अलग थे, वो अकेला बंदा अलग था। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी जान पहचान करा दी ताकि ये दोनों एक दूसरे को मार ना दे। तो भाई यहाँ पर मामला सेट हो गया, ये तीनों काफ़ी फ्रेंडली थे एक दूसरे के साथ, तो इन लोगों को हम लोग ने यहीं छोड़ दिया। लेकिन अब बारी सिर्फ दो बचे हुए बंदों की थी जो मीटअप कर नहीं रहते थे, मतलब वो लड़ना चाह रहे थे। अब लड़ना चाह रहे हैं भाई तो उनसे लड़े ना, तो ये तो डिसरिस्पेक्ट होगी। तो हम लोग यहाँ पर उनको ढूंढने लगे। मेरे को बीच में ऐसा लगा कि कुछ मेरे को दिखाई दिया है प्रोन, लेकिन मेरे को कुछ सही नहीं लगा। तो यहाँ पर हम लोग ने उनको इग्नोर कर, मतलब उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब हम लोग पलट के यहाँ पर आए तो मेरे को पेड़ के पास दो बंदे मछली बने हुए दिख गए। अब भाई इनको तो बचा दिया, लेकिन अब बारी थी टूर्नामेंट की। तो अब होने वाला था यहाँ पर गजब का पैन टूर्नामेंट। अब देखो डिसाइड ये हुआ था कि एक बंदा तो सोलो था, एक डुओ था और दो हम थे। तो जो सोलो बंदा था वो डुओ के एक बंदे के साथ लड़ेगा, जो भी जीतेगा वो हेल्थ लगाएगा और आगे जाके लड़ेगा। तो इस हिसाब से चार बंदे होंगे तो 2-on-2 की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या ही हुआ। अब ये जो सोलो बंदा था ये भाग रहा था और दूसरे वाले बंदे का टीममेट कह रहा था भाई जल्दी कर, लेकिन तभी जो सोलो बंदा था उसने कुछ अलग ही चीज कही। अरे मर जाऊंगा, मुझे फारूक से मिलना है, मेरे को नहीं लड़ना। तो भाई उसने ये कहा भाई मेरे को जान दो, मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को सिर्फ फारूक से बात करनी है। तो यहाँ पर ये लड़ाई तो कैंसिल होगी। लेकिन तभी जो डुओ था उसके एक बंदे ने स्कूबी को चैलेंज करा, तो अब यहाँ पर उसके वर्सेस स्कूबी होने वाला था, मतलब कुछ तो होने ही वाला था। अब स्कूबी अपने आप को एशिया के नंबर 1 पैन फाइटर कहता है, और यहाँ पर उसकी लड़ाई 2 से हुई थी एकदम से गलती से, और उसने दोनों को बचा दिया था। लेकिन जो भी हो हेल्थ देखने लगाई और फिर एक फेयर फाइट में स्कूबी ने ये मैच, मतलब ये राउंड जीत लिया। तो स्कूबी को यहाँ पर गिरा दिया गया था। तो अब बारी मेरी थी क्योंकि जो अकेला वाला बंदा था इसको तो हम लोग ऐसे बीच में लड़ने को भेज नहीं सकते थे, और मैं स्कूबी को रैप भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो चीटिंग होती, क्योंकि उसका बंदा भी रैप नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अब मैंने पैन उठाया और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी ये मैच आगे ले जाने की। गेस करो क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बेकार पैन फाइटर हूँ। अब यहाँ पर एक टफ फाइट हुई थी, मेरी बहुत हेल्थ गई, लेकिन फाइनली यहाँ पर मैंने किसी तरीके से उनको मार दिया और स्कूबी को यहाँ पर बचा लिया। अब सिर्फ वो सोलो वाला बंदा बच रहा था। तो अब यहाँ पर लड़ाई होनी थी 1v1, और अगर ये सोलो बंदा जीतता तो जो भी हम में से बचता वो सुसाइड करता या फिर इसके हाथों मरता, क्योंकि चिकन डिनर इसका होता। तो फिर यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि स्कूबी लड़ेगा। तो स्कूबी ने हेल्थ वगैरह लगाई, मेरे से पैन लिया और जंग शुरू हो गई। अब यहाँ पर मेरे पड़ गई तो मैं भागा वहां से, लेकिन तब तक इसको मेरे काम लगा दिया और कहते ही इजी चिकन डिनर। Life's tough, we know that. Someone's got better stuff and can throw cash. Tell them I don't give a fuck, make my own path. I don't need no handouts on my own.